आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप है, आपको उन्हें फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन की डायल पैड में जाना है। डायल पैड में जाने के बाद गाइस आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो सेटिंग के ऑप्शन को देखने के बाद इनेबल आउटो कॉल रिकॉर्डर को हम ऑप्शन को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है डिस्प्ले सेटिंग। तो हमें यहाँ पर फुल स्क्रीन चाहिए तो इस ऑप्शन को भी आपको ऑन कर देना। शो कॉन्टैक्ट फोटो, जैसे कि आपके फ़ोन में आपके जो कॉन्टैक्ट है वो शो हो तो आप उन पर फोटो लगाना चाहते हैं तो आपको इस ऑप्शन को ऑन कर देना। तो गाइस बे कर जाते हैं। बे करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है साउंड, तो हमें साउंड पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मीडिया वॉल्यूम, कॉल वॉल्यूम या रिंगटोन नोटिफिकेशन या अलार्म नोटिफिकेशन, और यहाँ पर आपको जो भी अपने फ़ोन में रिंगटोन वगैरह लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो गाइस बे कर जाते हैं। बे करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है सिम कार्ड सेटिंग, तो हम उस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको क्रिकेट फीचर पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपको एयरटेल पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन आ रहा है गाइस हमारे वॉइस मेल, जैसे कि आप अपने किसी नंबर पर वॉइस मेल भेजना चाहते हैं तो आपको वॉइस मेल पर क्लिक करके आपको सर्विस पर क्लिक करना होगा। इस पर सेटअप पे क्लिक करके आपको अपना नंबर डाल देना जिस नंबर पे आपको वॉइस मेल भेजनी है, तो इसे ओके कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने वॉइस मेल भेज सकते हैं। तो गाइस बे कर जाते हैं। बे करने के बाद यहाँ पर आपको फिक्स डायलिंग नंबर, तो आपको फिक्स डायलिंग नंबर भी कर सकते हैं, वाईफाई कॉलिंग भी कर सकते हैं। आपको वाईफाई कनेक्ट करके यहाँ पर आपको कॉल फॉरबिडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप किसी नंबर की जो कॉलिंग कॉल है वो अपने नंबर पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कॉल फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको कॉल वेटिंग का ऑप्शन आया और यहाँ पर आपको एडवांस सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिला था। तो यहाँ से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल बैटिंग भी कर सकते हैं। तो कहीं बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है ब्लॉक्स नंबर, तो हमें ब्लॉक्स नंबर पे क्लिक करना होगा। ब्लॉक्स नंबर पे क्लिक करने के बाद नंबर नॉट इन योर कॉन्टैक्ट, जो आपके फ़ोन कॉन्टैक्ट में नहीं होते हैं, सेफ नहीं होते, वो इन ऑप्शनों को आपके खोलने के अनकाउंट नंबर और नंबर नोट इन योर कॉन्टैक्ट दोनों ऑप्शनों को ऑन करने से जो आपके फ़ोन में अनकाउंट नंबर होते हैं जो सेफ नहीं होते वो आपके नंबर ब्लॉक हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको ऐड ए नंबर पे क्लिक करना है। ऐड ए नंबर पे क्या होता है, जैसे कि गाइज आपको सेलेक्ट नंबर पर्सनल नंबर को कॉल ब्लॉक करना है तो आपको ऐड नंबर पर क्लिक करके अपना फ़ोन नंबर डालना है, वैसे यहाँ से ब्लॉक कर देना है। तो गाइज इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो गाइज बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है एडवांस सेटिंग, तो एडवांस सेटिंग पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस ऑप्शन को आपको ऑन कर देना और कॉल टाइम टोन लगना तो आपको इस ऑप्शन को भी ऑन कर देना। डायल पैड साउंड अफेक्ट डेप्थ फुल, इस ऑप्शन को भी आपको ऑन कर देना है। तो गाइस बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर अबाउट है, इससे अबाउट को ऐसे ही रहने देना। तो गाइस इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपनी कॉल सेटिंग कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।